गुजरात में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। सौराष्ट्र कच्छ में हो रही जोरदार बारिश। पाटन जिले में सुबह से हो रही है भारी बारिश। राधनपुर संतलपुर पंथक में बारिश का मौसम। अहमदाबाद में बारिश के बाद खुली सिस्टम की पोल। नई वेंज में सड़क बैठी तो फंस गया ट्रक। जराट के 5 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। गिर सोमनाथ में भारी बारिश से भगवान जलमग्न। तलाला में बारिश से सरस्वती नदी में आई बाढ़। राजकोट में बारिश का दूसरा दौर शुरू हो गया है। सड़कों पर जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। नवसारी के कुकेरी गांव में आंधी बारिश में एक मकान ढह गया। जोरदार बारिश में लोगों के घरों में घुस गया पानी, हुआ भारी नुकसान। कांग्रेस गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साबरकांठा के खेड़ ब्रह्मा गांव में आधी रात को एक बाइक चोरी हुई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। वलसाड में उफनते पानी के बीच से निकाली शव यात्रा, अंतदेशीय गांव में नहीं है पुल। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ कर्मचारी गिरफ्तार, पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं भेजने का आरोप। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी वडोदरा से हुआ गिरफ्तार। चंद्रयान 3 की जीवंत रंगोली, सूरत की 8 महिलाओं ने बनाई 13x7 फीट की प्रतिकृति। 10 साल के बच्चे ने ली स्कूल से 2 दिन की छुट्टी। मौसम में सुधार होने पर अमरनाथ में फंसे सूरत के तीर्थ यात्रियों को जल्द ही रेस्क्यू किया जाएगा। आज सोने के दाम 59,560 रुपए तोला तो वही चांदी 73,030 रुपए किलो। वडोदरा में महिला कांस्टेबल का संदिग्ध अपहरण। 1.5 साल पहले दाभोई पुलिस स्टेशन आने पर सदाम से प्यार हो गया, दोस्ती का समझौता किया और साथ रहने लगी। पकड़े जाने पर माता पिता ने घर से निकाला। भारतीय तटरक्षक जहाज ने समुद्र में फंसी नाव से 5 मछुआरों को रेस्क्यू किया। सूरत में वेजिटेबल्स की थोक दुकान से 17 कटे आलू चोरी, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ संदिग्ध रिक्शा। पुलिस ने जांच शुरू की।